उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हेड की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव कन्नौज में सिद्धिपीठ माँ फूलमती मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं माता के दरबार में खड़ा हूं, यहां से कहता हूं कि आज हिंदी दिवस पर भाजपा को अपनी भाषा को बदल लेना चाहिए। भाषा डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, भाजपा को किसी के पीछे खड़े होकर वार नहीं करना चाहिए। हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि वो ऋचा की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है, पर मां के दरबार से अपील करेंगे कि भाजपा भाषा में सुधार करे। नहीं नहीं, हम एक महिला की गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। कन्नौज में सिद्धिपीठ माँ फूलमती मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने भाजपा सपा के बीच जारी ट्विटर वॉर पर कहा कि हिंदी दिवस पर भाजपा को अपनी भाषा सुधार लेनी चाहिए, माता रानी के दरबार में आकर भाजपा को कहना चाहिए कि आज के बाद अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी भाषा ठीक रखेगी और इसीलिए मैंने कहा कि माता के दरबार में हिंदी दिवस के दिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि अपनी भाषा में सुधार लाएं। वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बता दें कि ट्विटर पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और बीजेपी की ऋचा राजपूत के बीच लंबे समय से ट्विटर वॉर चल रहा है, जहां एक तरफ ऋचा ने मनीष पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया और FIR कराई, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ऋचा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति को लेकर ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी की है। इसके खिलाफ सपा ने ऋचा राजपूत पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही ऋचा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मैं फरीन अंसारी, नमस्कार।